Tigers. मैं इस टाइम खड़ी हूँ भुज के इलाके में। बॉर्डर के पास ज्यादा तो लोकेटेड नहीं है, बट इसका 1971 के वॉर में इम्पोर्टेंस है। वॉर में ये चीज बोली जाती है, वन हु कंट्रोल्स द स्काई कंट्रोल्स द वॉर। 8 दिसंबर 1971 जो एयर स्ट्रिप है भुज की, उस पर 14 बॉम्ब्स गिराए गए थे। एयर स्ट्रिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इस वजह से हमारी जो एयरफोर्स थी वो अपने ऑपरेशंस उस टाइम नहीं कैरी कर पा रही थी। तो उस टाइम के जो स्क्वाड्रन लीडर थे विजय कार्निक, उनके दिमाग में एक चीज आई, क्योंकि उनके पास लेबरर्स की बहुत शॉर्टेज थी। एंड समथिंग मिराकुलस हैपेंड एंड द एयरपोर्ट वॉज कम्प्लीटेड इन स्पैन ऑफ 4 डेज। वो कैसे हुआ, उसके लिए एक गांव चलते हैं, माधापुर। चलो, भुज सिटी से कुछ 6 किलोमीटर दूर आता है गांव माधापुर। वैसे तो इसे वन ऑफ द रिचेस्ट विलेजेस इन टर्म्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स माना जाता है। मेरे हिसाब से ये गांव सिर्फ पैसे से ही नहीं बल्कि जज्बे से भी अमीर है। मैं आपको एक ऐसे गांव में लेके जाऊंगी जहाँ की औरतों ने भी वो वॉर जीतने में अपना पूरा पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, और वो भी बहुत ही अनोखे तरीके से। शायद ये कहानी बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन अब उस पर एक मूवी आ चुकी है तो शायद ज्यादा लोगों को पता चल गई होगी। बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको वहाँ लेके जा सकूँ। नमस्कार, मेरा नाम कौन भाई शिवजी हिरणी है। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। मेरा नाम है विंग कमांडर विजय कार्निक, मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने जिंदगी में 3 लड़ाइयाँ देखी हूँ, एक्टिव पार्ट लिया हूँ, 62 वॉर, 65 वॉर और 71 वॉर में। मगर ये जो भुज एयरफील्ड था वो बहुत महत्व रखता है। हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे हवाई अड्डे हैं जिसको हम सिर्फ वॉर में यूज करते हैं, बाकी उसकी देखभाल करते हैं। तो मेरा काम था वो एयरफील्ड का देखभाल करना। वॉर इज इमिनेंट का सिग्नल कब आया है? पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को हमारे 10-12 एयरफील्ड पे प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया, उसमें हम भुज वाले भी थे। पाकिस्तान वाला भारत ऊपर बम वर्षा की, प्लेन आता था, रनवे तोड़ दिया था, सब को एक रात का 65 बम गिरा दिया था। 3 तारीख को बॉम्बिंग हुई, 4 को हुई, 5 को हुई, 6 को हुई, रोज ही रात को उन लोग आके भुज पे बॉम्बिंग करते थे। हमारा एयरफील्ड रनवे पूरा बर्बाद हो गया। विजय कणिका और पिस्टी लाल था, उसको ऐसा था कि अभी ये क्या करेगा। हमारी बाजू में नानपुर गाँव है, उसके बोला कंट्रैक्ट कि तुम कर दो तो नहीं 6 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा तो प्लेन तो उड़न क्या कब चालू होगा। फिक्स में पड़ गए, कोई भी एयरफील्ड वॉर में नॉन ऑपरेशन होना सेटबैक होता है। हमारी पायनियर कंपनी रहती है आर्मी की, जो कि ये रिपेयर करती है, ब्रिजेस बनाती है, तो वो भी कहीं बिजी थी। फिर हमें याद आया बाजू में जो माधापुर विलेज है वहाँ की महिलाएं ये सब काम में माहिर है। कम्युनिटी का एक सोशल नॉर्म था, हफ्ते में कम से कम 2 बार औरतों ने और उनके लड़कियों ने जाके कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे कम से कम 1 घंटा तो 2 घंटा काम करना फ्री। तो उनको पता था कि कंस्ट्रक्शन काम कैसा करना, ऐसा नहीं कि उनको सिखाना पड़ा। गोपाल नंद स्वामी कलेक्टर था, वो सब हमारे माधापुर आया। हमारा पंचायत सरपंच था यादव जी, शिव जी हिरणी था, उसको बोला कि तुम कर दो तो अच्छा अच्छा है कि हमारे भाई लोग माधापुर के भाई लोग सब कर देगा। तो हमारी लीडर था सुंदर भाई जेठा, सब साथ मिलकर 300 भाई लोग काम करने के गए। पहले दिन तो हमारे को खाना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, पानी गरम गरम पीता था। भुज का संत है स्वामीनार मंदिर का, उसको ऐसा लगा कि भाई लोग भूखे, वो लोग को सुखड़ी लेके आया, फ्रूट लेके आया, तो हम तब खाना खाया। इससे हम पानी पीता था, वो पालों में खाना खाते थे, ऐसा ग्रीन कलर का हम कपड़ा पैर के जाता था। ऊपर से प्लेन आता था और सायरन बजता था। विजय कणिका बोल दिया था कि सायरन बजेगा तब तुम छुप जाएगा, फिर दूसरा सायरन बजता था तब हम बाहर निकल के काम करता था। ऐसी हमारी हालत तो बहुत खराब थी, हम क्या करें, हमारे को देश बचाना था। 8वें दिन प्लेन उड़ना चालू तो आपको हो गया। 8 दिन लगे बनाने में और पहले दिन आप लोग भूखे थे। अल्टीमेटली हमारा ट्रेनिंग क्या हो रहा था, वॉर में जाने के लिए था, तो मैं ट्रेन था, मगर इन लोग ट्रेन नहीं थे। इन्होंने जो हिम्मत जुटा के वो आए, हिस्टोरिकल बात है, उस जमाने में एक ही झांसी की रानी थी, अभी देखो हमारे जमाने में 300 झांसी की रानी। अभी उस टाइम क्या उम्र रही होगी आप लोगों की? मेरी 25, अभी मेरी 76। तो उस टाइम तो आप लोगों की शादियां भी हो चुकी होंगी? शादी हो चुकी थी, लेकिन 25 साल की शादीशुदा औरतों पे उस टाइम काफी जिम्मा होता है। घर पर निकलता था तो हमारे सास बोलती थी नहीं जाना तुम मर जाएगा, तो हम बोलता था मर जाएगा उधर मर जाएगा तो चल
लेगा, उधर मरेगा तो मेरे को राम लेने को आएगा, इधर घर में मरेगा तो हमारे जम आएगा लेने को, हमें ऐसा बोलता था। दिन भर आप लोग काम करते थे धूप में, नाइट का लाइट नहीं था ना, इनका 7 बजे चले जाते थे, 7 बजे शाम को आते थे घर पर। कांजी भाई राम जी मैं पानी माता, मेरी गाड़ी जो थी ना ट्रक, उसमें इधर से लेबर भर के एयरपोर्ट में ले जाता था, और मैं भी साथ हाथ से ही काम करता था, खाली ड्राइविंग नहीं करता था। हमारे को मालूम था हमारी जीत जो होगी, इधर माधापुर में झंडा फड़काया, सब साथ में मिलकर नाच गाना किया कि हमारा भारत जीत गया। फिर 16 तारीख को सीज फायर हो गया, लड़ाई बंद हो गई। 24 तारीख को इंदिरा गांधी आई इनको खास मिलने के लिए भुज। तो ये है माधापुर की वीरांगनाएं, ये और बाकी जो औरतें और जो लोकल समाज संस्थाएं मौजूद नहीं है, सबने ऑफिसर्स की मदद करी, सबने विद इन अ स्पैन ऑफ 8 डेज पूरा रनवे अपने हाथों से अपनी मेहनत से कंप्लीट करा, ताकि हमारी जो एयरफोर्स है वहाँ से उड़ान भर सके और लड़ाई कंप्लीट कर सके। ये जो अभिषेक दुधाया राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी है, वन ऑफ द प्रोड्यूसर भुज प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म बनाई, उसकी दादी जो थी उसने ये रनवे रिपेयर किया, तो उसने बचपन से उन्हें स्टोरी सुनी थी दादी से कि बॉम्ब होते थे, मैं जाके रिपेयर करती थी, हम छिप जाते थे। दो किसी दो देशों की लड़ाई होती है और हम लोग बोल देते हैं कि वॉर डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो क्या आप लोग एक बार भी ये सोचते हो कि अगर वॉर डिक्लेयर हो गया और अगर आप लोगों की जरूरत पड़ी सरहद पर, तो आप लोग खुद जाके लड़ोगे इन लोकल्स की तरह? सर्विस बिफोर सेल्फ, ये हमारा मोटो है, सर्विस पहले, बाद में फैमिली है, कुछ भी है उसके बाद में आता है।